till i can't no more i got the horses in the bag or stock is a hello everyone welcome to my youtube channel road to success this is sobhagir and i have brought to you part 9 of set theory सो so, इस वीडियो में हम क्या करेंगे हम सेट थ्योरी के अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सब से जो नॉलेज हमने गेन की है उसको यूज़ करके हम प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इन प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमने कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं वाई यूजिंग वेंट डाइग्राम्स वो देखेंगे और इसके साथ साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे इसके अलावा हमने जो फॉर्मूलास देखे थे पिछली वीडियो में जो कि ये तीन फार्मूलाज हैं जिनमें से सेकेंड जिन एंड थर्ड फार्मूला को हमने डिराइव करके भी देखा था उन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पे हम कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो अलॉट लॉट टू लर्न सो लेट्स गेट स्टार्ट सो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम सॉल्व करने की को कोशिश करते हैं सो इट सेज दैट इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स आर सेवनटीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई आर ट्वेंटी थ्री एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज़ थर्टी एट दैन फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई सो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे सेकेंड फार्मूला जो हमने सीखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई तो यहां हमें यूनियन दिया हुआ है एक्स के एलिमेंट दिए हुए वाई के दिए हुए हमें इंटरसेक्शन के निकालने, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इन द अबव इक्वेशन वी विल गेट इसकी जगह हमने डाल दिया यूनियन में कितने हैं थर्टी एट सो थर्टी एट इक्वल्स एक्स में कितने हैं सेवेंटीन एलिमेंट्स वाई में कितने हैं ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई ठीक है अब बस हमें सिंपल अर्थमेटिक करना है ज़्यादा कुछ नहीं है थर्टी एट इक्वल्स फोर्टी माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई के जितने एलिमेंट्स हैं इसको हम इस साइड ले जाएंगे थर्टी एट को इस साइड ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स फोर्टी माइनस थर्टी एट सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकल के आ गया हमारा टू सो इस वे में हम देखिए सॉल्व करते हैं सो so, ये तो काफ़ी हद तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इस एग्जाम्पल के बाद हम जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होगा सो लेट्स सी दिस सो एग्ज़ाम्पल टू हमारा क्या कहता है आउट ऑफ फाइव हंड्रेड कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड किसी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किए हैं फोर हंड्रेड ओन्ड कार ए एंड टू हंड्रेड ओन्ड कार बी फिफ्टी ओन्ड बोथ कार ए एंड कार बी सो इज दिस अ करेक्ट डाटा अब आप सोचेंगे कि इसमें सेट थ्योरी का क्या काम इसमें हम कैसे डाटा कलेक्ट आ, मतलब पता करें कि ये डाटा करेक्ट है नहीं देखिए हमें बताया हुआ है कि टोटल फाइव हंड्रेड कार ओनर्स हैं मतलब ऐसे जिन्होंने एक कार ली है ऐसे जिन्होंने दोनों कार ली है ऐसे जिन्होंने दूसरी कार ली है मतलब किसी ने एक ली होगी कार ए किसी ने कार बी ली होगी किसी ने कार ए और बी दोनों ली हुई हैं उन सबका मिला के हमें क्या मिलेगा सारे कार ओनर्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है सो ए यूनियन बी जो होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंटन एन एन बी विल बी कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड ठीक है फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होगा ओनर्स ऑफ कार ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा ओनर्स ऑफ कार बी ठीक है और जो बोथ कार ए एंड बी को ओन करते हैं ठीक है ओनर्स ऑफ बोथ कार एंड बी उनको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी ठीक है चलो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं फॉर्मूला बनाते हैं अपना फॉर्मूला क्या था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एंड बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटर सेक्शन बी इस क्वेश्चन में हमको जैसे आप ऊपर देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें ये यूनियन है ये हमें ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटेड है ये एक ए कार के ऑनर है ये बी कार के ऑनर है और ये दोनों के ऑनर है तो हमें सारी वैल्यूज दी हुई है हमें जस्ट चेक करना है कि क्या ये इक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं करती अगर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी इस फॉर्मूले की दैट मीन्स द डाटा इज करेक्ट अगर नहीं होल्ड करती दैट मीन्स द डाटा इज इन करेक्ट तो ए यूनियन भी हमें सारे कार ओनर्स कितने कौन कितने कार ओनर्स इन्वेस्टिगेट करते फाइव हंड्रेड सो फाइव हंड्रेड क्या इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे चार सौ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे दो सौ माइनस दोनों कार ओनर्स कितने थे फिफ्टी सो फिफ्टी लगा दी अब यहाँ पर मैं पहले यही लिखूँगा ताकि पहले इस राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लें। सो so, ये हमें आ गया 400 हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड माइनस तो 550 ये निकल के आया लेकिन फ्रॉम क्वेश्चन गिवन अबव हमें क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी तो 500 है क्योंकि 500 लोग इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटिव सो दिस मीन्स that A union B is not equal to 550. This means that the data is incorrect. ठीक है तो आपको समझ में आया क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था पहले ही हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था कि कितने लोग हमारे दोनों कार्स को हर तरह की कार को कितने ओन करते हैं और हमें जब पता चला कि यहाँ पे 550 ओन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटेड पीपल तो फिर हमारा आंसर गलत हो गया ठीक है इसको आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि 500 कार इन्वेस्टिगेटर कार ओनर्स हमारे एक तरह से यूनियन सेट भी आप इसको ले सकते हैं आप इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हमारे जितने भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूनिवर्स में 500 कार्स को इन्वेस्टिगेट किया है लेकिन हमारा ए यूनियन बी आ रहा है 550 मतलब हमारा सेट जो कि यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंडर आना चाहिए था सबसेट होना चाहिए था ये यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें सो ए यूनियन बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ यूनियन सेट जो कि ट्रू नहीं हो सकता सो so, इस वे में भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये डाटा इनकरेक्ट है सो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अच्छा लगा हो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था और ऐसे ही हम एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं और सेट थ्री को थोड़ा और मेच्योर मेच्योर वे में हम लुक करते हैं सो एग्ज़ाम्पल थ्री हमारा क्या कहता है इन अ कमिटी फिफ्टी पीपल स्पीक फ्रेंच ट्वेंटी पीपल स्पीक स्पेनिश एंड टेन स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच हाउ मैनी स्पीक लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज अब ये जो लाइन है एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज ये हमारा यूनियन सेट है सो so, union of spanish speaking people and french speaking people hamara hoga at least people who speak at least one of these two languages okay so number of पीपल हु स्पीक स्पेनिश हो जाएगा हमारा इस सेट से रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच आ जाएगा हमारा इस सेट से ठीक है और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच वो इंटरसेक्शन से हम रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है चलो अब तो बस फॉर्मूला डालना है और आंसर मिल लेना है ठीक है तो हमें निकालना था स्पेनिश और जो एटलीस्ट स्पेनिश या फ्रेंच बोल दें कितने लोग ऐसे हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग पीपल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनस जो दोनों बोलते हैं यानी एस एस इंटरसेक्शन एफ सो ये आ जाएगा हमने वैल्यूज़ डाल देते हैं वैल्यूज़ क्या थी 50 पीपल्स हमारे बोलते हैं फ्रेंच 20 बोलते हैं स्पेनिश 10 बोलते हैं दोनों सो so, यहाँ हम डाल देंगे फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी स्पेनिश स्पीकिंग पीपल है ठीक है फिफ्टी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ठीक है माइनस टेन जो दोनों बोलते हैं तो ये हमारा क्या आ गया सिंपल अर्थमैटिक्स से सिक्सटी पीपल आ गया ठीक है तो हमारा ये है फाइनल आंसर ठीक है सो यू कैन सी कितना सेट थ्योरी से हमें सिंप्लीफाई होता है और इसको हम देखिए अगर आप इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वेन डायग्राम तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट इसमें हमने दो बड़े बड़े सर्कल्स बना दिए ठीक है ये स्पेनिश वाले हो गए लोग ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग हो गए अब देखिए हमें पहले इंटरसेक्शन लिखना है जब भी ग्राफिकली आप प्लॉट करें पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू डालें क्यों क्योंकि उसी से माइनस करके आप एस और एफ की वैल्यू डालेंगे ठीक है इंटरसेक्शन में कितने हैं टेन लोग ठीक है तो जितने स्पेनिश स्पीकिंग लोग थे ठीक है उनमें से टेन माइनस करिए फोर्टी और कितने थे आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग स्पेनिश स्पीकिंग लोग सॉरी ट्वेंटी थे बार बार गलती हो रही है ट्वेंटी थे तो ट्वेंटी में से टेन माइनस करके आपका आ जाएगा टेन और फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने थे फिफ्टी फिफ्टी में से टेन माइनस करें फोर्टी सो ऐसे आप ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं और आप इसको देखिए चेक कर सकते हैं टेन प्लस फोर्टी फिफ्टी आ रहा है हमारा फ्रेंच स्पीकिंग लोग टेन प्लस टेन ट्वेंटी आ रहा है स्पेनिश स्पीकिंग लोग और टेन हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है और इन सबको ऐड करें यूनियन टेन प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर्टी सिक्सटी तो ये हमारा यूनियन अभी भी मैच कर रहा है तो ये हमारा एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन वेन डायग्राम ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो एग्जाम्पल फोर हमारा क्या कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ सेवेंटी पीपल थर्टी सेवन लाइक कॉफ़ी फिफ्टी टू लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स मतलब क्या है इसका कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कोई भी ड्रिंक को लाइक ना करे मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टी भी ना लाइक करे कॉफ़ी भी ना लाइक करे ठीक है तो कोई ना कोई तो चीज़ वो लाइक करेगा या तो दोनों करेगा या नहीं तो इनमें से कोई एक तो करेगा हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी ठीक है तो ये हमारा सिंपल सा प्रॉब्लम है हमें निकालना है कॉफी इंटरसेक्शन टी ठीक है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी ठीक है इसमें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी ऐसे रिप्रजेंट करेंगे हम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी को हम एन टी से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है और यूनियन हम, हमारा क्या होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एट लीस्ट वन एटलीस्ट टी और कॉफी ठीक है एटलीस्ट टी और कॉफी सो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं एन सी यूनियन टी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी हमें सी इंटरसेक्शन टी निकालना है अच्छा हमें वैल्यू क्या दी हुई है यूनियन सेवेंटी है कॉफ़ी लैकिंग थर्टी सेवन पीपल हैं टी लैकिंग फिफ्टी टू पीपल हैं तो हमने वैल्यूज डाल देते हैं सेवनटी इक्वल्स कॉफी लैकिंग थर्टी सेवन पीपल हैं टी लैकिंग फिफ्टी टू पीपल हैं और ये हमारा सी इंटरसेक्शन टी ठीक है तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला सेवनटी इक्वल्स ये जाएगा एटी नाइन माइनस सी इंटरसेक्शन टी इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा सेवन को इस साइड ले जाऊंगा ताकि ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाए तो ये हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स एटी नाइन माइनस सेवेंटी एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू नाइनटीन ठीक है सो ये हमारा आंसर ये नाइनटीन लो, लोगों को बहुत कॉफी और टी अच्छी लगती है ठीक है तो ये हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर सो हेयर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड uh, मैंने सोचा कि आपको एक थ्री प्रोडक्ट केस का भी एक एग्जाम्पल करवा ही दूँ ताकि आपको कैसे थ्री प्रोडक्ट्स को हम रिप्रेजेंट और इसको मैं ग्राफिकली भी आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफिकली भी शो करते हैं सो लेट्स डू इट इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट ट्वेंटी वन पीपल लाइक प्रोडक्ट ए तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ लिख लिख के नहीं दूँगा मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होता है तो हम सिंपल से समझते हैं प्रोडक्ट ए को सिर्फ ने लाइक किया ट्वेंटी वन लोगों ने तो एन ए इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स पीपल लाइक प्रोडक्ट बी यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी इज ट्वेंटी ऐसे ही ट्वेंटी नाइन लाइक प्रोडक्ट सी सो प्रोडक्ट सी को किन्नों ने लाइक किया ट्वेंटी नाइन लोगों ने इफ फोर्टीन पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी तो ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है फोर्टीन और ट्वेल्व पीपल लाइक प्रोडक्ट्स सी एंड ए सो सी इंटरसेक्शन ए हमें दिया हुआ है ट्वेल्व एंड फोर्टीन पीपल लाइक प्रोडक्ट्स बी एंड सी बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है फोर्टीन एंड एट लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स ठीक है सो वी हैव सो वी हैव नंबर ऑफ पीपल एट लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए बी एंड सी तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है एट ठीक है तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है हमसे पूछे क्या है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको यूनियन पूछ लिया कि एटलीस्ट कोई एक ना एक प्रोडक्ट कितने लोग हैं या इस सर्वे में टोटल कितने लोग हैं अगर ये पूछा होता कि कितने लोग हैं जिनको सर्वे किया गया है तो हम यूनियन ढूंढते लेकिन इसमें हमें से पूछा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली तो इसको हमें ग्राफिकली पहले समझना ज़्यादा जरूरी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक वेन डाइग्राम बना के देता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ थ्री सर्कल्स बनाऊँगा ठीक है और ये मेरा सेट ए सेट बी सेट सी ये यूनिवर्सल सेट तो देखिए ये ए है ये बी है ये सी है इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि एट है तो हमारा एट यहाँ पे आएगा ठीक है अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे इस वाले में पहले ही एट एडेड है तो एट माइनस करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी में से जब हम एट माइनस करेंगे तो हमें ये बाकी बचे हुए रीजन का पता चलेगी वैल्यू क्या है वो है सिक्स सिमिलरली हम सी इंटरसेक्शन ए के लिए एट माइनस करेंगे माइनस uh, करेंगे और फोर तो यहाँ पे फोर आएगा इस बचे हुए एरिया में इस बचे हुए एरिया में क्या है बी इंटरसेक्शन ए और इसमें एट ऑलरेडी है तो एट माइनस करके क्या है सिक्स तो ये हमारी आ गई पूरा हमने अंदर इंटरसेक्शन की वजह डाल दी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले तो चीज़ जो आपको समझने वाली है वो ये है कि हमसे जो पूछा गया हमसे सिर्फ ये शेडेड रीजन का आंसर पूछा गया है जो लोग सिर्फ सी को लाइक like करते हैं जो और कुछ नहीं लाइक like करते सिर्फ सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं तो इसका आंसर देने के लिए हमें ये इंटरसेक्शन आना जरूरी था क्योंकि देखिए अब हमें टोटल लोग जिनको सी अच्छा लगता है वो तो पता है लेकिन ऐसे इनमें डुप्लीकेशन हो सकती है इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो ए को भी लाइक करते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बी को भी लाइक करते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको ए बी और सी तीनों अच्छे लगते हैं पर हमें तो सिर्फ सी वाले लोग चाहिए जिनको सी के अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता वो निकालने के लिए सो so, इसको आंसर में निकालने के लिए पीपल हु वॉन्ट ओनली सी उसका हम क्या आंसर देंगे हम जो हमारा एन सी है वैल्यू यानी ट्वेंटी नाइन ठीक है ट्वेंटी नाइन में से हम माइनस करेंगे ये जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है तो माइनस एट माइनस फोर एंड माइनस सिक्स तो ये सी के जो भी अंदर बाउंड्री के जो ये चीज़ें थी इंटरसेक्शन वाली वो हमने माइनस कर दी ओरिजिनल सी के अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उससे तो हमें ओनली सी वाले आ जाएंगे ठीक है तो जब मैंने ट्वेंटी नाइन में से अच्छा ट्वेंटी इनको पहले ऐड कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन में से एटीन माइनस करूंगा तो मुझे क्या आंसर आएगा इलेवन सो आर आंसर इज दैट इलेवन पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी ठीक है तो यहाँ मैं अब इलेवन डाल सकता हूँ सिमिलरली हम ए और बी के अंदर भी हम ओनली ए जिनको अच्छा लगता है वो निकाल सकते हैं या जिनको सिर्फ ओनली बी अच्छा लगता है प्रोडक्ट वो भी निकाल सकते हैं बट ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप फिल करें बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ही दूँगा इनके आंसर्स बट स्टिल आपको आपके लिए अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज रहेगी ये फाइंड आउट करना है. so this was all for this video and uh, please if you like this video like uh, hit the like button and share this video with your friends so that they can also learn how set theory works and uh, gain from it basically my youtube channel is all about giving uh, content which will help students and uh, I'm not uh, going to charge anything from it or गोइंग टू डू लाइक अदर यूट्यूब चैनल जो क्लब्स बना लेते हैं और पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं मेरा ये वीडियो जस्ट एज अबी मैं बनाता हूँ ठीक है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो विच वुड भी प्रोबली द लास्ट वीडियो ऑन सेट थ्योरी आई होप सो लेकिन अगर कुछ कंटेंट रह गया तो मैं शायद एक और वीडियो बनाऊँ सो Bye bye, take care and stay safe.